हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सीखने वाले हैं ऑन और एट। ऑन का मतलब भी पर होता है और एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन इन दोनों का यूज़ कब होता है, कैसे होता है, इसको आज हम सीखने वाले हैं कि कब ऑन हम लगाएंगे और हम कब एट का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स लेते हैं और एक एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे एग्जांपल किन एग्जांपल के साथ एन लग रहा है और किन एग्जांपल के साथ एट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया है, जबकि दोनों का मतलब ही पर होता है, लेकिन किसके साथ हम एट लगाएंगे और किसके साथ एन लगाएंगे, तो ये हमें आज सीखना है। तो देखिए, पहला हमारा सेंटेंस है, पुस्तक संदूक के ऊपर है। पुस्तक संदूक के ऊपर है। अगर पुस्तक संदूक के ऊपर है, इस तरह से हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। द बुक पुस्तक इज ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक संदूक के ऊपर है। ऑन द टेबल, सॉरी, ऑन द, यहाँ पर क्या है, संदूक है, तो हो जाएगा ऑन द बॉक्स। तो पुस्तक संदूक के ऊपर है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑन लगाया गया। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए पुस्तक मेज पर है। अभी आपको एग्जांपल्स, दो चार एग्जांपल्स होंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐट कब लगता है और आन कब लगता है। पुस्तक मेज पर है, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो हो जाएगा इसका, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्लर्क सीट पर बैठा है। नंबर तीन, क्लर्क सीट पर बैठा है, तो इसका हो जाएगा, द क्लर्क इज एट द सीट, द क्लर्क इज एट द सीट। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दरवाजे पर हरा पेंट है। अब देखिए, यहाँ पर ऐट क्यों लगा और यहाँ दोनों में ऑन क्यों लगा, इसको हम बता देते हैं। पहले देखिए, जो संदूक के ऊपर बुक रखी हुई है वो क्या होगी, संदूक के एकदम ऊपरी सतह पर रखी हुई होगी। पुस्तक मेज पर रखी होगी तो पुस्तक जो है मेज के एकदम ऊपर रखी हुई होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है क्लर्क सीट पर बैठा है, तो क्लर्क सीट पर बैठा है तो ये कोई निश्चित नहीं है कि, ये ज़रूरी नहीं है कि सीट के एकदम ऊपरी सतह पर, अगर सीट में हैंडल लगा हो या मतलब चेयर ही मान लीजिए, चेयर में जब इंसान कोई बैठता है तो उसके अंदर ना बैठता है, ऊपर तो नहीं बैठता है उसके, कि उसके एकदम ऊपरी सतह पर बैठेगा, तो इस तरह से वहाँ पर ऐट लगता है। उसके बाद देखिए, दरवाजे पर हरा पेंट है। हरा
पेंट है, दरवाजे पर हरा पेंट है, तो इसका हो जाएगा देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। ऑन द डोर, तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए मैं आपको घर पर मिलूंगा, मैं आपको घर पर मिलूंगा, तो इसका हो जाएगा आई शैल सी यू एट होम। अब यहाँ पर देखिए घर पर मिलूंगा, मतलब कि अब घर के ऊपर तो होगा नहीं, पर तो यूज किया गया, लेकिन घर पर मिलूंगा मतलब घर के ऊपर तो चढ़ के कोई मिलने वाला नहीं है, मतलब कि घर पे वो जा रहा है, उसके घर के पास मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एट का यूज होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कमला कमरे में आ रही है, कमला कमरे में आ रही है, कमला कमरे में आ रही है, तो हो जाएगा कमला इज कमिंग इनटू द रूम। यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया एट और ऑन के अलावा, तो हो जाएगा कमला इज कमिंग इनटू द रूम। इनटू द रूम, तो इस तरह से हमने एट और ऑन का डिफरेंस सीखा कि किस तरह से एट लगेगा और कब ऑन का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।